हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे को और वीडियो में स्वागत है। आज हम डिज़ाइन ऑफ साइफन एक्विडक्ट को देखेंगे, उसके डिज़ाइन स्टेप देखेंगे। ये देखेंगे साइफन एक्विडक्ट होता क्या है, एक बार ये देख लेंगे, फिर इसके बाद इसके डिज़ाइन स्टेप देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइफन एक्विडक्ट हमारा होता क्या है, ये एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क होता है। मतलब ये हमारा एक ऐसा काम होता है पानी के पास, जिसमें हमारी अगर कैनाल और जो हमारी ड्रेन है, मतलब ड्रेन में हमारी कुछ भी हो सकती है, ड्रेन के अंदर हमारी रिवर आ सकती है या फिर नाला भी है वहाँ का, लोकल नाला कुछ भी आ सकता है, यहाँ ड्रेन हमारी ये हो सकती है, ठीक है। उसके अगर दोनों और हमारी जो कैनाल है ना, दोनों एक क्रॉस में आ जाए, तो हमें उनको मिक्स तो करना नहीं है, हम मिक्स तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम जैसी हमारी ड्रेन जाएगी और अगर हमारी कैनाल जो है ना ड्रेन के ऊपर हो, तो उसको हम साइफन एक्विडक्ट बोलते हैं, जब वो उसके बेड को भी टच कर रही हो। ड्रेन जो है ना, जो हमारी कैनाल है उसके बेड को भी टच कर रही हो, तो उसे हम साइफन एक्विडक्ट बोलते हैं। बाकी क्रॉस ड्रेनेज वर्क में हम सब पढ़ चुके हैं, एक्विडक्ट, साइफन एक्विडक्ट, सुपर पैसेज और जो भी है क्रॉस ड्रेनेज वर्क में, हम ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ साइफन एक्विडक्ट के डिज़ाइन स्टेप देखेंगे। तो इसके अंदर हमें सिर्फ दो तीन पॉइंट याद रख लेने हैं। इसमें क्या होता है, हमारा साइफन एक्विडक्ट में जो हमारा कैनाल बेड लेवल है ना, ठीक है, कैनाल बेड लेवल जो होगा ना, वो हमारा बड़ा होगा किससे, ड्रेनेज बेड लेवल से। ये समझने के लिए इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल करने में थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। बेड लेवल हमारा जो कैनाल का बेड लेवल है, ये हमारा कैनाल का बेड लेवल होगा, ये ड्रेनेज बेड लेवल से बड़ ऊपर होगा, मतलब ठीक है, ठीक है। हमारी ये जैसे है ना, ड्रेनेज हमारी जारी होगी, यहाँ कैनाल ऐसे जारी होगी, ठीक है, इस तरीके से इस आगे की साइड, ठीक है। ये हम साइड में रोड ही बना देते हैं, ये जब हम लास्ट स्टेप करते हैं ना, उसमें हम इसका डायग्राम बना देते हैं कि मतलब ये थोड़ा, तो इसके में लास्ट स्टेप में हम नॉर्मली इसको बना देते हैं। अभी डिज़ाइन स्टेप की बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या, हमारा कैनाल का जो बेड लेवल है वो छोटा होगा किसके, हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन, ठीक है। ये ड्रेन का हाई फ्लड लेवल है और ये बेड लेवल है, ये हाई फ्लड लेवल से नीचे होगा, इसका जो बेड लेवल है ये बेड लेवल है बिल्कुल, ठीक है। हाई फ्लड लेवल जो है वो ज़्यादा होगा ड्रेन का, ठीक है, ये हमें याद रखना। ये दो छोटे से पॉइंट है, क्योंकि तभी ये इसको टच कर रहा होगा, टच कर रहा होगा ना, तभी उसको हम साइफन एक्विडक्ट बोलते हैं, ठीक है। बाकी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ साइफन एक्विडक्ट और नॉर्मल एक बार क्रॉस ड्रेनेज का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। हमारा एक तो होता है एक्विडक्ट होता है, एक साइफन एक्विडक्ट होता है, एक सुपर पैसेज होता है, एक साइफन होता है सिर्फ, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ साइफन एक्विडक्ट के डिज़ाइन स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। तो पर हमारा एक्विडक्ट हमारा वो होता है जिसमें हमारी जो हाई फ्लड लेवल है ना, वो इसके बेड को टच नहीं कर रहा होगा। बस एक बार दिखा देता हूँ मैं छोटा छोटा, बाकी हमें ज़्यादा नहीं देखना। जो हाई फ्लड लेवल होगा इसके बेड को टच नहीं कर रहा होगा, ठीक है, हाई फ्लड लेवल इसके बेड को टच नहीं कर रहा होगा, तो उसे हम एक्विडक्ट बोलते सिंपल। और साइफन एक्विडक्ट तब बोलते जब इसके बेड को टच कर रहा होगा, हाई फ्लड लेवल हमारी ड्रेन का अगर कैनाल के बेड को टच कर रहा होगा, तो हम साइफन एक्विडक्ट बोल देते हैं। सुपर पैसेज में उल्टा हो जाता है, हमारी ड्रेन ऊपर हो जाती है, कैनाल नीचे हो जाती है, बस यही चीज़ है। और बस उसमें जो साइफन आता है उसमें हमारा बेड को टच कर रहा होगा और नहीं कर रहा होगा। बाकी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट हो जाएगा, जब बन जाएगी उसको मैं अच्छे से समझाऊंगा उसमें वीडियो में, तो आपको पता लग जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसके हम साइफन एक्विडक्ट के डिज़ाइन स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आता है जिसमें हम इसका क्या करेंगे, डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज वाटरवे। हम डिज़ाइन करेंगे वाटरवे का, जो हमारा किसका होगा, ड्रेनेज का, ठीक है। इसका मतलब कि चौड़ाई कितनी होगी, वाटरवे कितना होगा, मतलब पानी किस चौड़ाई में चल रहा होगा। जैसे ये हमारी ऊपर कैनाल है, ये हमारी ऊपर कैनाल है, नीचे से हमारी ड्रेन जाएगी, ठीक है, ये हमारा क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ठीक है। ऊपर है हमारी कैनाल, ठीक है ना, और इसके बेड को टच कर रहा होगा इसका फ्लड लेवल, जब इसका नीचे बेड होगा ना उसको, ठीक है। तो हमारा ये हमारा वाटरवे है, ठीक है, ये कितना होगा, ये इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो इन स्टेप को हम डिटेल में एक बार देख लेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम इसका पूरा न्यूमेरिकल देख लेंगे, सारे डिज़ाइन स्टेप आपको समझ आ जाएंगे न्यूमेरिकल के बाद अच्छे से। तो दूसरा स्टेप होता है हमारा डिज़ाइन ऑफ कैनाल वाटरवे, फिर हमारा कैनाल का वाटरवे को डिज़ाइन करेंगे हम। ये हो गया हमारा, ठीक है, कितना चौड़ाई में हमारा पानी चल रहा होगा,
ठीक है। फिर आ गया हमारा डिज़ाइन ऑफ लेवल एट डिफरेंट सेक्शन, मतलब हमारा टोटल एनर्जी लेवल होगा ना, उसको डिजाइन करेंगे डिफरेंट सेक्शन पे। हमारा वाटर लेवल डिफरेंट सरफेस पे क्या होगा, मतलब ये पानी का लेवल यहाँ पर कितना है, पानी का लेवल यहाँ पर कितना होगा, पानी का लेवल जब हमारा कैनाल से बिल्कुल यहाँ से बाहर चला जाएगा तो कितना होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट ये हम डिज़ाइन करेंगे इसमें लेवल्स। ठीक है, चार लेवल होंगे, हम चारों को डिज़ाइन करेंगे यहीं तक। अगर आप का न्यूमेरिकल आएगा ना, आपके पास टाइम तो बहुत कम होगा, वैसे 2 या 3 घंटे का पेपर होता है कॉलेज का, 3 घंटे का होता है नॉर्मली, जिसमें करीब करीब आपके 3-4 न्यूमेरिकल आ जाते हैं टोटल। ठीक है, आपके पास टाइम कम होगा। अगर आप सिर्फ ये 3 स्टेप करके छोड़ देते हैं ना, तो आपके 10+ नंबर तो 100% मिल जाएंगे, अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, और टीचर सही हुआ तो 15 नंबर+ भी दे देता है। ठीक है, बाकी आप अगर सिर्फ इन 3 स्टेप को और कर देंगे तो आपके 15+ 100% मिलेंगे, क्योंकि नहीं पूछते भी सिर्फ यहीं तक है, ये कभी पूछते ही नहीं है बैरल के बारे में। ठीक है, कॉलेज के एग्ज़ाम में तो पूछते ही नहीं है, वैसे कंपटीशन में तो आता ही नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ कुछ आता ही नहीं है बीच से, कभी स्टेप से, कभी 1-2 नंबर के MCQ आ जाते हैं, नहीं कॉम्पिटिशन में न्यूमेरिकल मैंने देखा नहीं है इससे कभी कन्वेंशनल पेपर में। बाकी इससे हमारा आ जाता है, अगर आप सिर्फ इन 3 स्टेप को करके छोड़ देंगे पेपर में, तो आपको 10+ नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और टीचर सही हुआ तो वो 15+ भी देगा। और क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं आपको डिफरेंट 3-4 क्वेश्चन दिखा दूंगा कि क्वेश्चन कैसे लिखे रहते हैं, और अगले लेक्चर में दिखाऊंगा जब मैं उसके 1 न्यूमेरिकल करा लूँगा। ठीक है, उसके बाद दिखाऊंगा मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद आपका जो होगा ना डाउट क्लियर हो जाएंगे, कि मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या हो, कई बार यही नहीं समझ आता पूछा क्या, मैं ये करना क्या क्या है, तो मैं ये आपको समझा दूंगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, जल्दी कराऊंगा क्योंकि एग्ज़ाम पास में है। ठीक है, तो हम ये 3 स्टेप करके छोड़ देंगे तो हमारे 10+ नंबर हो जाएंगे, अगर जिसको सिर्फ पास होना है तो। सब न्यूमेरिकल में से ज़्यादा डीप नहीं जाना, इतना इतना करना है सब में से, 10+ नंबर और टीचर सही हुआ 15+ भी देगा, और ये सब कर लिए 15+ तो 100% और टीचर सही हुआ तो 20 नंबर भी दे देगा, अगर आपने सब कुछ सही किया तो। नहीं, डिज़ाइन में हमेशा 1-2 नंबर हमेशा टीचर काटता ही काटता है, बाकी ये 2 स्टेप मैं आपको कराऊंगा ही नहीं। ठीक है, इतना डीप इतना आगे तक पूछता ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछता नहीं है नॉर्मली, और ये आएगा ही नहीं, ये 2 स्टेप आएंगे नहीं, मैं बस ये बस लिख दिया है। इसमें जो होता है ना, ये जो प्रेशर होगा ना, जैसे पानी का प्रेशर इस पर लगेगा, इसका भी प्रेशर जब इस पर लगेगा, इसको बैलेंस करने के लिए हम स्लैब लैब कम, तो इसको डिज़ाइन करने के लिए होता है, इतना ज़्यादा डीप हमें पढ़ना ही है, ये प्रेशर सबको कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, ये इतना ज़्यादा डीप हमें जाना नहीं है, तो ये 2 स्टेप छोड़ दूंगा, सिर्फ 6 स्टेप तक मैं कराऊंगा। अगर आप 6 स्टेप तक कर देते हैं और क्वेश्चन में पूछा हुआ है 6 स्टेप तक, तो आपको आराम से 15+ मिलेंगे, और हो सकता है आपको 20 मिल जाए पूरे, अगर आप अच्छा करते हैं तो। ठीक है, और आपको डायग्राम भी बनाने हैं, डायग्राम भी पूछते पेपर में। ठीक है, इसके बाद हमारा ऐसा डायग्राम बनाना है, उसको डिज़ाइन से मैं बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, अभी एक बार स्टेप दिखा देता हूँ मैं जल्दी से आपको, थोड़ा फिर अगले में हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो इसका पहला स्टेप क्या है, डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज वाटरवे। ठीक है, हमारा पहला स्टेप है, द वेटेड पैरामीटर ऑफ द रिवर इज फाउंड बाय द लेसी फॉर्मूला। हमें लेसी का फॉर्मूला याद रखना है, बिल्कुल हमें ये याद रखना है, इसी से निकलेगा हमारे जितने वाटरवे, हमारा जब गाइड बैंक में निकालते हैं वाटरवे, तब भी हमारा यही लेसी रिजिमी पैरामीटर का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये लेसी का फॉर्मूला, ठीक है, साइंटिस्ट था तो उसका ही हमेशा ये लगता है, P=4.75√, ये हमारा क्यू है। ठीक है, ये हमारा डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज है, ठीक है, क्यू डिस्चार्ज है, किसमें डिस्चार्ज, किसमें ड्रेनेज में, क्योंकि ड्रेनेज की बात हो रही है, ड्रेनेज का वाटरवे हमें डिज़ाइन करना है, इसलिए ड्रेनेज का क्यू है। ठीक है, इसके बाद हमारी एक कुछ वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, वेटेड पैरामीटर की पी की वैल्यू निकल के आएगी, तो उससे हम फिर हम बताएंगे जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी ना, उसके हिसाब से हम सुटेबल नंबर ऑफ पियर, ये पियर कहाँ लगेंगे, ये पियर लगेंगे हमारे कैनाल जब हमारी ऊपर है, ये हमारी कैनाल ऊपर है, ठीक है, तो इसके नीचे हमारे पियर्स लगेंगे। अब कैनाल को सपोर्ट भी तो करेगा कुछ, तो बीच में हमारे पियर्स होंगे, जैसे ब्रिज को सपोर्ट करता है वैसे कैनाल को भी सपोर्ट करेंगे, तो हम बता पाएंगे कितने नंबर ऑफ पियर लगेंगे और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हम किससे बता पाएंगे, वेटेड जो पैरामीटर की वैल्यू आएगी उससे। तो ये सब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे हमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी अब जल्दी जल्दी देखेंगे। और आपको ये स्टेप छोड़ देना, ये मैंने लिखे हुए हैं, ये सिर्फ तब काम आते हैं जब आपको 7th और 8th स्टेप पर, ये हम ना कॉलेज में पूछते ना कहीं पूछते, तो इन्हें छोड़ देना हमें। ठीक है, ये 2 स्टेप आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ यहीं तक देखना है, प्रोवाइड सुटेबल नंबर ऑफ पियर एंड कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द वाटरवे। तो हमारी ये टोटल वाटरवे की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे हम, नंबर ऑफ पियर कैलकुलेट कर लेंगे, इनके बीच की
नंबर ऑफ बे, ठीक है। बैरल एक बार मैं बता देता हूँ, वे बैरल इंपॉर्टेंट नहीं है, यही जो पोर्शन होता है ना दो पियर्स के बीच का, इसी को बैरल बोल देते हैं, पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। नहीं, वेलोसिटी एज्यूम करते इतनी 2 से 3 मीटर पर सेकेंड, छोड़ देना स्टेप, ये करना ही नहीं है, सिर्फ 6 स्टेप तक हमारा इंपॉर्टेंट है, उतना ही करेंगे आपको आराम से अच्छे नंबर मिलेंगे, और ये पूछते भी नहीं। अगर आप बोलेंगे कि ये भी अच्छे से करा दो, इन पे भी न्यूमेरिकल आता है हमारा, हमारे कॉलेज में ये, ठीक है, ये 2 पॉइंट है तो मैं आपको करा भी दूंगा, नहीं तो ये 2 स्टेप आते नहीं हमारी, ठीक है, ये इतना ज़्यादा जाननी नहीं, सिर्फ ये 2 स्टेप हमें याद रखने हैं पहले डिज़ाइन स्टेप में, डिज़ाइन ऑफ ड्रेनेज वाटर वे में सिर्फ ये 2 स्टेप याद रखने में, ठीक है। फिर आता हमारा स्टेप 2, डिज़ाइन ऑफ कैनाल वाटरवे। तो हमारा कैनाल वाटरवे में जो होता है ना, हमें एक स्प्ले भी प्रोवाइड करना होता है, जैसे हमारी कैनाल होती है ना, इसमें हमारा थोड़ा यहाँ पर जो होता है ना स्प्ले प्रोवाइड करते हैं हम, इसी को स्प्ले बोलते हैं, ठीक है, ऐसा प्रोवाइड करते हैं हम, जहाँ से कैनाल की जैसे इस तरफ से एंट्री हो रही है और उस तरफ से निकल रही है, तो ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पर कम हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वहाँ एक्सपेंशन हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो हम ये एक टाइप के स्प्ले प्रोवाइड करते हैं। डायग्राम पे देखते हैं थोड़ा सा, ये जैसे कैनाल की एंट्री यहाँ से पर होगी, ठीक है, इसी कैनाल में है ये, यही कैनाल है, यही पोर्शन हमने ले लिया क्रॉस सेक्शन सा, ठीक है, जैसे ये दिखाते हैं अभी, तो यहाँ से कैनाल की एंट्री हो रही होगी और यहाँ से कैनाल बाहर जा रही होगी, ठीक है। ये Z1:1 का होता है, Z2:3 का होता है, और इसमें Z1 और Z2 की वैल्यू हमेशा फिक्स है, हमेशा फिक्स है, आपको यही लेनी है, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, जहाँ पानी आ रहा है मतलब ये छोटा हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, तो जड़ की वैल्यू हमें ले लेनी है 2, ठीक है, 2 ले लेनी है, और Z2 की वैल्यू कितनी लेनी है 3, बस, और ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, इस फॉर्मूले से आपके न्यूमेरिकल हो गए। तो लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो जाएगी, LC = BN - BF/2 × Z1। ये हमारा BN और BF क्या है, तो ये जैसे यहाँ पर ख़त्म हो रहा होगा ना, बिल्कुल ये हो जाता है हमारा नॉर्मल विड्थ, ठीक है, BN हमारा तो नॉर्मल विड्थ, और इसको जो बोलते हैं ना फ्यूम सेक्शन बोलते हैं, फ्ल्यूम, ठीक है, फ्ल्यूम सेक्शन, ठीक है, फ्ल्यूम पोर्शन बोल देते हैं, फ्ल्यूम सेक्शन, ठीक है। तो ये जो होती है ना यहाँ पर जो विड्थ होती है हमारी, इसको हम BF बोलते हैं, मेडिकल से आपको सब क्लियर हो जाएगा, इसको BF बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होगी जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, और ये भी इक्वल होगी इसके, और ये BN होती है हमारी, ठीक है, ये होती है हमारी, और ये Z1 और Z2 की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है 2 और 3, क्योंकि ये रेशियो से निकलती है, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे तब अच्छे से आ जाएगा। अभी मैं जल्दी जल्दी एक बार स्टेप बता देता हूँ। फिर अगला स्टेप होता है हमारा डिज़ाइन ऑफ लेवल एट डिफरेंट सेक्शन। तो हम डिफरेंट सेक्शन पे लेवल डिज़ाइन करते हैं, लेवल में हमको डिज़ाइन करना होता है हमारी, ये है न्यूमेरिकल से अच्छे समझ आएंगे, अभी एक बार मैं फटाफट बता देता हूँ। हम हमेशा जो है ना ये लेवल, जैसे अभी ये बाहर चला गया है, तो यहाँ पर जो होता है ना हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, जैसे ये जब ये अगर हम एक साइड से देखेंगे तो ये हमारे ट्रेपीजियम सा दिखेगा, इस साइड से देखेंगे जैसे, तो अगर हम नीचे तक देखते हैं तो ये कुछ ट्रेपीजियम सा दिखेगा हमें ये पोर्शन, तो यहाँ पर स्लोप होगा ना, यहाँ हम स्लोप प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो स्लोप प्रोवाइड करते हैं ना, ये हम 1.5:1 का मान लेते हैं, ठीक है, ये ट्रेपीजियम सा दिख रहा है पर यहाँ एक स्लोप होगा जो यहाँ तक जा रहा होगा, ठीक है, अगर देखें तो हम यहाँ तक जा रहा होगा ये स्लोप, ठीक है, जैसे गाइड बैंक में भी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, गाइड बैंक का डिज़ाइन भी करेंगे हम। एज्यूम द ट्रांजिशन द साइड स्लोप ऑफ द कैनाल इज 1.5:1, तो ये जो स्लोप है ये हमारा 1.5:1 का हो जाएगा, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सेक्शन, फिर इसको हम निकाल देते हैं, इसको सामने से देखेंगे ना हम कैनाल को, तो यहाँ स्लोप के बाद ये कैनाल हमें कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है, इस साइड से देख रहे हैं हम कैनाल को, एक साइड से सिर्फ, ठीक है, एक साइड से देख रहे हैं हम इसको, इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ कोई खड़ा है तो ये कैनाल का जब है ना इस साइड से देख रहा है वो, ठीक है, तो ये कुछ हमें ट्रेपीजियम सा दिखेगा, ये हमें रेक्टेंगल सा दिखेगा, ठीक है, ये इसको देखेंगे जब, तो एक बार हमें बस ये जल्दी जल्दी बता दे, तो फिर न्यूमेरिकल करते जाएंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमें Y:1 हो जाता है, तो वेलोसिटी ऐड का फॉर्मूला हमें याद रखना है, और ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, क्योंकि जब ये रेशियो दिया हो ना Y:1, वाई क्या हो जाएगा हमारा डेढ़ हो जाएगा, हमेशा डेढ़ ही ले लेना, ये हमेशा इसी स्लोप पे हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये सबसे इकोनॉमिकल पड़ता है, ठीक है।
तो बी प्लस वाई डी इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है वेलोसिटी एड का, क्योंकि जब हमारा हाई फ्लड लेवल नहीं वाटर लेवल जब हमें पता लग जाता है उसमें अगर हम फिर वेलोसिटी हेड प्लस कर देते ना तो हमें टोटल एनर्जी लेवल पता लग जाता है। अभी एक बार देख लेते हैं डायग्राम से, फिर हमारा सेक्शन 4-4 पे, तो हमारा सेक्शन 4-4 यहाँ पर होता है, ठीक है, एक्सपेंशन का जो लास्ट पार्ट होता है ना वहाँ 4-4 होता है, ये 3-3 होता है, ठीक है, ये हमारा 2-2 होता है सेक्शन। अभी दिखाता हूँ मैं एक बार थोड़ा सा, तो यहाँ पर सेक्शन 3-3 पे क्या हो जाएगा, ये तो हमारा रेक्टेंगल आ गया सीधा सा, ठीक है, यहाँ पर सीधा बी इंटू डी हो जाएगा, बी हमारी हो गई और इसकी डेप्थ हो जाएगी फ्ल्यूम सेक्शन की। न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक बार जब आप न्यूमेरिकल कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जब एक्सपेंशन होता है तो हमारा एक लॉस होता है, ये उसका फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल में देखेंगे, अभी एक बार मैं दिखा देता हूँ। फिर सेक्शन 2-2 पे आ जाते हैं, 2-2 पे हम फिर देखते हैं, एक हमें पॉइंट याद रखना है कि हमारी जो वेलोसिटी और जो एरिया है ना वो सेम होगा कहाँ कहाँ पर, 2-2 और 3-3 पर, और 2-2 और 3-3 पर सेक्शन पे हमारा एरिया और वेलोसिटी सेम होगा। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, रुकिए, जैसे ये 4 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन है और ये 1 सेक्शन है हमारा, 4-4 सेक्शन, ये 3:1 याद रखना है। मैं न्यूमेरिकल में और अच्छे से बताऊंगा, अभी जल्दी जल्दी स्टेप बता देता हूँ, न्यूमेरिकल से आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फ्रॉम सेक्शन 2-2 to 3-3 द थ्रू सेक्शन, ये हमारा थ्रू सेक्शन हो जाता है, ठीक है, फ्यूम सेक्शन ही बोलते हैं, थ्रू सेक्शन बोल देते हैं, इस कॉन्स्टेंट देयरफॉर एरिया एंड वेलोसिटी एट 2-2 सेक्शन और जो 3-3 सेक्शन पे होगी ना वो सेम होगी, यहाँ पर भी एरिया और वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी, यहाँ पर भी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी और एरिया भी सेम होगा, यहाँ पर भी 2-2 सेक्शन पे भी और 3-3 सेक्शन पे भी, पर देयर इज ए फ्रिक्शन लॉस, पर एक फ्रिक्शन लॉस होगा यहाँ पर, इसकी वॉल की वजह से एक फ्रिक्शन लॉस होगा, जब पानी जा रहा होगा तो इसकी वॉल की वजह से एक फ्रिक्शन लॉस होगा, उसको हम देखते हैं, विच मे बी कंप्यूटेड बाय मैनिंग्स फॉर्मूला एस इक्वल टू, तो ये मैनिंग्स फॉर्मूला को थोड़ा सा वो बढ़ा दिया है जिसे हम हेड लॉस ऑफ थ्रू कैलकुलेट करते हैं एचएल को, मैनिंग्स फॉर्मूला को थोड़ा अपडेट कर दिया, हमें सिर्फ यही याद रख लेना है, ज़्यादा हमें मैनिंग्स फॉर्मूला को देखना नहीं है, सिर्फ इसको डायरेक्ट हम याद रख लेंगे, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर दिया थोड़ा इसके हिसाब से जो हम इस डिज़ाइन स्टेप में यूज़ होगा। तो इसमें हमारा रिजिडिटी कोएफिशिएंट हो जाता है एन हमारी, और एल हो जाता है लेंथ ऑफ थ्रू, आर हो जाता है हमारा मीन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो जाती है हमारी, ठीक है, ए बाय पी से डिनोट करते हैं एरिया बाय पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर, ठीक है, वेलोसिटी इन थ्रू क्यू बाय ए, न्यूमेरिकल से हो जाएगा। अभी एक बार फिर सेक्शन ए की बारी आती है, उसमें हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ये सारे स्टेप देख लेते हैं फिर, और स्टेप एक बार इनको आप लिख लीजिएगा, ये सारे स्टेप अब न्यूमेरिकल करेंगे ना उससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारा फिर आता है अगला स्टेप, डिज़ाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप सिर्फ इतना करके छोड़ देते और जब आप न्यूमेरिकल देखेंगे, क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा क्या हुआ है, कई बार सिर्फ इस स्टेप तक ही पूछते हैं, सेक्शन तक हमारा सारे सेक्शन का लेवल निकाल दो, इस तक पूछ के छोड़ देते हैं, बाकी इससे ज़्यादा पूछते हैं तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है, एक बार इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारे सेक्शन कैलकुलेट होते हैं, जैसे वाटर सरफेस का है, इसमें ये जो पोर्शन होता है ये सर जगह दिखा रहा है, ये वेलोसिटी हेड है हर सेक्शन का, इसको जब प्लस कर देते हैं हमारा टोटल एनर्जी लाइन निकल आती है, और हमारा बेड का डिज़ाइन में यही सब बताते हैं कि इसका बेड कहाँ पर होगा, इसका वाटर सरफेस कहाँ पर होगा, इसकी टोटल एनर्जी लाइन कहाँ पर होगी, ये सब हमें बताना होता है, तो ये सब हम बता देते हैं। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो जाता है, डिज़ाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ट्रांजिशन, ठीक है, इसमें ये जो होगा ना ये इसमें क्या होता है हमारा, दिखाता हूँ रुकिए, कि मतलब ये जो होगा ना ये पूरा स्लोप सेम तो होगा नहीं, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, इस यहाँ की डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी होगी, तो हम वो इस फॉर्मूले से बताते हैं, ठीक है, ये मित्रा हाइपरबोलिक ट्रांजिशन इक्वेशन, एक और होती है पर हम ये याद रखेंगे क्योंकि इससे हमारा ईजी पड़ता है, दो इक्वेशन दो साइंटिस्ट ने दी हुई है तो हम ये याद रखेंगे, इससे हमारा ईजी पड़ता है कैलकुलेशन, ठीक है, तो हम ये याद रख लेंगे, ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये आपको सब स्टेप समझ आ जाएंगे, फिर ये स्टेप आपको छोटे लगेंगे, ये मैंने छोटे लिखे हुए स्टेप, ठीक है, न्यूमेरिकल में आपको सब समझ आ जाएंगे। फिर इसके बाद हमारा अभी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का, फिर हमारा एक्सपेंशन का होता है, सेम फॉर्मूला लगता है, एक्सपेंशन में निकाल देते हैं, बस ये सब मैं बताऊँगा, ये बी
एक्स क्या है और एक्स क्या है, सारे डिज़ाइन ऑफ एक्सपेंशन आ जाता है फिर हमारा, और फिर हमारा सिक्स स्टेप तक ही छोड़ देंगे हम, करने के बाद सिक्स स्टेप तक हमारा इनफ होगा, हम सेवन स्टेप पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि ये स्टेप पेपर में भी नहीं आते और पूछे भी नहीं जाते और इतने इंपॉर्टेंट नहीं। आप बोलेंगे तो मैं आपको इनको समझा दूंगा अच्छे से, बाकी ये पूछे नहीं जाते कहीं पे, तो आपको ये छोड़ देने हैं। तो हमारा सिक्स स्टेप हो जाता है, जिसमें हम डायग्राम भी बना देते हैं और हम बता देते हैं इसमें जो हमारी नॉर्मली होती है ना, ये इसकी स्लैब की थिकनेस कितनी लेते हैं हम, 0.4 लेते हैं, इसकी कितनी लेते हैं 0.3 लेते हैं, बीच वाले की 0.3 के पास लेते हैं, और ये पानी अगर कैनाल इतनी भरी हुई है तो ऊपर हम वो फ्री बोर्ड कितना छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब हम, जैसे रोड हमारा नॉर्मली हम 5 मीटर का लेते हैं, तो ये सब हम डिज़ाइन हम लास्ट में ये सारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है, जनरली हम सारी यही वैल्यू, मतलब यही याद रख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.4 हमारी होती है स्लैब की थ्रू की थिकनेस जो नीचे वाली है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और जो आउटर वॉल है उनकी थिकनेस हो जाती है 0.4, और इंटरमीडिएट वॉल की 0.3 हो जाती है, ठीक है। और हमारे रोड हमारा 5 मीटर कम वाइड कम प्रोवाइड करते ही करते हैं, और फ्री बोर्ड हमारा 0.6 मीटर के पास ले लेते हैं, बस इतने स्टेप याद रखने में। ये 6 स्टेप को अब डिटेल में हम न्यूमेरिकल के साथ, और इसके बाद आपको टाइप ऑफ न्यूमेरिकल दिखा दूंगा पूछे कैसे जाते हैं कॉलेज में, मेरे पास MDU के कॉलेज के क्वेश्चन है, उनकी RG आती है, RG पब्लिकेशन की, उससे मैं दिखा दूंगा, ठीक है, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हुए इससे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, आपको सब समझ आ जाएगा जब आप एक न्यूमेरिकल देख लेंगे इसका, तो ये सारे स्टेप आपको समझ आ जाएंगे। इन सब स्टेप जो है ना, ये स्टेप आपको और अच्छे समझ आ जाएंगे जब आप न्यूमेरिकल देख लेंगे, स्टेप मैंने शॉर्ट कर दिए, ठीक है, बाकी बस एक बार बता दिया है, समझ आ गया होगा, थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा, अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले लेक्चर में अभी हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे बिल्कुल अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा, और टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी देख लेंगे कैसे पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।